सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम लोग के लिए इतना फ्री मार्केट प्रोवाइड किए हैं यूट्यूब के माध्यम से। सर मैं वाराणसी से आया हूँ स्पेशली सर के लिए, थोड़ा सा डाउट था और मैंने थोड़ा सा को मिलना भी था हमें। सर जैसे कि मान लीजिए कि हम क्लास कर लिए सब्जेक्ट कोई विषय हो सर क्लास कर लिए, उसके बाद नोट्स प्रॉपरली बना लिए, उसके अब सर रिवीजन से मतलब रिवीजन से रिलेटेड मेरा डाउट है कि जैसे कि क्लास करने के बाद जब नोट्स बना रहे हैं तो सुनते हैं हम लोग कि टॉपर बोलते हैं कि मैंने 20 बार श्रीकांत को पढ़ लिया, इस पेपर को मैंने लिंक लेकर बैठा ही रखा है, कोई बोलता है तो सर इससे हम लोग को बड़ा डिमोटिवेशन होता है कि कहीं हम लोग तो पीछे नहीं रह जा रहे हैं ना, वो लोग तो 20 बार लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ क्लास करके रिवीजन कर रहे हैं नोट्स का, तो सर इसी से रिलेटेड मेरा डाउट है, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ आपका, थोड़ा बताइए इसके बारे में डिटेल में। धन्यवाद सर। आपका जो मैं डाउट समझ पा रहा हूँ वो ये है कि कोई मित्र मुझसे ये कहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पीछे तो नहीं हो रहा हूँ और मित्र आगे तो नहीं निकल रहा है। मैं कहूँगा कि ये तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है और एक नॉर्मल मानव स्वभाव है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट पॉइंट ये होगा कि आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम है। मतलब मैं इसमें एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं, जैसे बचपन में जब घर पे कोई रिश्तेदार आता है ना तो माता पिता अपने बच्चे को प्रदर्शित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और कहते हैं कि हमारे बच्चे से पूछ लो, जो चाहे वो बता देगा। अब की पीढ़ी तो अंग्रेजी गाने बोलती है, हमारे टाइम में वो टेबल बड़े पूछे जाते थे और कोई बच्चा अगर 10-12 का टेबल बोल ले तो कह देते थे कि बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। हमने अपने घर वालों को मना दिया था, मुझे 100 तक के टेबल याद है, मुझे पता था कि उनकी मानसिकता में केवल 99 का टेबल ही होगा, वो पूछेंगे कि 99 का टेबल पढ़ के बताओ। मैंने 99 इतना खतरनाक रट के रखा था कि पहले ही सेकंड से शुरू होके तीसरे सेकंड में 99 का टेबल खत्म हो जाता था, सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से खत्म। अब वो कभी हिम्मत नहीं करता था कि मुझसे कभी पूछ सके कि आप कैसे पढ़ते हो, बल्कि मुझसे वो कहता था कि आप हमारे बच्चे को भी साथ में लेकर पढ़ा करो। कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा जवाब, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसे गरीब लोगों को वही खत्म कर देना चाहिए जहां उन्होंने शुरू किया था। इसलिए तुम अपने कॉन्फिडेंस को रखो, अपने आप पर भरोसा रखो कि हाँ मैं सही कर रहा हूं, बेटर कर रहा हूं, मुझसे अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो मैं बेस्ट करूंगा। बाकी अगर हर व्यक्ति की राय लेते चलोगे, हर व्यक्ति से पूछते चलोगे तो तुम्हें हर एक घंटे में अपनी नीतियां बदलनी पड़ेगी। इसका एक ही परिणाम होगा कि 4 साल के बाद आप यही कहोगे कि यूपीएससी में चयनित होने वाले मंगल ग्रह के इलॉन मस्क के प्लान में आते होंगे। इसलिए आप ज्यादा बेटर करिए कि अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखिए और जब भी प्रतिदिन कॉन्फिडेंस डाउन होता हो, जैसे सुबह पहली सुबह आज जैसे हुई और मैंने अपने आप को आईने में देखा तो कहा कि क्या स्मार्ट लग रहा हूं। अगर खुद को स्मार्ट नहीं लगूंगा तो दुनिया का ठग स्मार्ट कहेगी। तो पहले मुझे अपने ऊपर भरोसा करना हो, मुझे अपने आप पर यकीन करना हो, और अगर मेरा यकीन अपने आप पर है तो दुनिया कुछ भी सोचे मैं वो करके रहूं। धन्यवाद जी। सबसे पहली बात की धन्यवाद, सब कुछ हमसे किया है। सबसे बड़ी बात इस समय मैं कहूंगा कि एक ही रणनीति है, जितना समेट सकते हो समेट लो। अब यहां से नई चीज, नई पहल, नई किताब या नया चैप्टर शुरू करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि बड़े मुश्किल से आप गिने चुने दिनों में बचे हैं, 100-110 दिन बचे हैं। अगर आपके पास जितनी कॉपियां हैं उसको 2-3 बार रिवाइज करने का भी टाइम नहीं है, तो मैं कहूंगा कि केवल एक रणनीति अपनाओ, जितना समेटने की ताकत है, जितनी औकात है तुम लोगों की समेटने की,
सबमिट करो, वही तुम्हारा रिजल्ट है। बाकी 28 मई के बाद 29 मई को वही जीवन पुनः प्रारंभ करने के लिए कई लोग तैयार होंगे। तो इस समय केवल बेटा जितना पढ़ा था ना सबको रिवाइज करना शुरू करो, एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवीजन आपको बेस्ट परिणाम देकर जाएगा। और कहीं कोई दुख। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंट्स की। तो जैसा कि आपने फाइनली देख लिया कि यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जो यूपीएससी ओरिएंटेड बहुत सारे लोगों का डाउट्स क्लियर किया, तो होप आपको पसंद आया होगा। ऐसी रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ ज़रूर बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।